आदाब नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम बटाला के प्रसिद्ध अचलेश्वर महादेव तथा गुरुद्वारा आंचल साहिब के दर्शन करेंगे एवं यहां के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हमारी इस वीडियो के साथ बने रहिए। पृथ्वी की पहले प्रदक्षिणा करके आएगा, उसको राजगद्दी दी जाएगी। तब कार्तिकेय भगवान जो है वो मोर की सवारी करते थे, तो मोर पे चल पड़े। और नंदी जो गणपति जी हैं वो चूहे की सवारी करते थे, तो उनको पता था कि मैं हार जाऊंगा। तो उन्होंने अपने माता पिता की प्रदक्षिणा करके बोल दिया कि मैंने पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर ली है। तो भगवान भोले शंकर जी ने पूछा कि आपने प्रदक्षिणा कैसे कर ली है? तो गणपति जी ने बोला कि पृथ्वी की जो रचना है वो आपने ही की है, आपकी प्रदक्षिणा कर ली और जो पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर ली मेरे लिए एक ही समान है। भगवान भोले शंकर इस बात से बहुत प्रसन्न हुए और उनको राजगद्दी दे दी। तभी कार्तिकेय महाराज यहाँ पे पहुँचे थे कि उनको नारद जी ने आगे बता दिया कि जो राजगद्दी है वो तो गणपति जी को मिल गई है। भगवान कार्तिकेय इस बात से रुष्ट हो गए कि मेरे साथ छल किया गया है। प्रतिस्पर्धा तो थी कि जो पृथ्वी की पहले प्रदक्षिणा करेगा उसी को राजगद्दी मिलेगी। तो कार्तिकेय महाराज ने भगवान नारद जी से कहा कि आप कैलाश में मेरा संदेश दे दीजिए कि मैं आप कैलाश पे वापस नहीं आऊँगा, मैं यहीं पर स्थिर होकर रहूँगा। तो नारद जी ने जाके वैसे ही अपना जो संदेश है वो भगवान भोले शंकर जी को बता दिया। तभी भगवान भोले शंकर जी 33 कोटि देवी देवताओं को साथ में लेके यहाँ पे पधारे और भगवान कार्तिकेय जी को मनाने के लिए आए, लेकिन कार्तिकेय भगवान जी ने जाने से मना कर दिया। तभी भगवान भोले शंकर जी ने कहा कि मैंने एक पुत्र को जो है वो राजगद्दी दी है, दूसरे पुत्र को कोई ना कोई अधिकार अवश्य देके जाऊंगा। तो भगवान भोले शंकर जी ने कार्तिकेय महाराज से कहा कि तू किसी के पास भी चल के नहीं जाएगा, तेरे पास सभी चल के आएंगे। आज से 8 दिन के बाद, दिवाली के 8 दिन बाद यहाँ पर एक 9वीं-10वीं का मेला लगेगा, जिस दिन सभी तीर्थों के राजा लोग सभी देवी देवता तुझे मिलने के लिए आएंगे। उस दिन के बाद यहाँ पे बहुत 9वीं-10वीं का भारी मेला लगता है जो दिवाली के 8 दिन बाद आता है। आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो देखेंगे भगवान कार्तिकेय महाराज जी का स्वरूप जो है बड़ा है, भगवान भोले शंकर जी का स्वरूप छोटा है। तो यहाँ पे कार्तिकेय महाराज जी को प्रधानता दी गई है, इसलिए उनका स्वरूप भी बड़ा है और भगवान भोले शंकर जी का स्वरूप छोटा है। जय बोले। पंडित जी, इसमें से हमें कार्तिकेय जी का स्वरूप बताइए और भगवान शिव जी का। ये भगवान कार्तिकेय जी का स्वरूप है जी। ये वाला भोले बाबा जी का स्वरूप है। और जो ये दोनों पिंडियां स्वयं हुए हैं, स्वयं से प्रकट है, किसी के द्वारा स्थापित नहीं की। और जो पीछे है ये पीछे शालिग्राम जी हैं। शालिग्राम जी उधर गणपति जी है, माता जी और नंदी। Thank you.
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी हमारी आगे की वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका लिंक आपके पास पहुँच जाए। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।